देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को सम्मानित भी किया। आइए आपको बताते हैं कि भारत का गगनयान मिशन कैसा होने वाला है और इससे भारत कैसा कीर्तिमान बनाएगा। अक्टूबर 2023 तो आपको याद ही होगा। इसी महीने में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 यानी TVD-1 को लॉन्च किया था। हाल ही के दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहे। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। आइए जानते हैं कि गगनयान मिशन है क्या, मिशन में भी क्या हुआ, अंतरिक्ष मानव मिशन का हिस्सा बनने वाले यात्री कौन है, मिशन में अब तक क्या हो चुका है, आगे क्या होगा। पहले जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी। इसमें एक व्योम मित्र रोबोट भी भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मिशन में अभी क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा भी की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे तथा किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े, इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में ये पहला परीक्षण था। इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम यानी CES की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दिशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में ये क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा।